हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंस्टाग्राम के बारे में दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज इंस्टाग्राम पे 50 बेस्ट सपोर्टर यहाँ से चुने जाएंगे, 50 से 60 बेस्ट सपोर्टर यहाँ से चुने जाएंगे। वीडियो के अंदर तीन तीन मतलब तीन तीन टुकड़ों में 6 अंकों के कोड दिए जाएंगे, तीन तीन टुकड़ों में। तो आपको मैं बता देता हूँ कि व्हाट्सअप नंबर, आपको व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे, लिंक व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे। तो जो सबसे पहले व्हाट्सअप नंबर पे वीडियो को देख के सबसे पहले व्हाट्सअप नंबर पे 50 से 60 बंदे अगर व्हाट्सअप नंबर पे सबसे पहले कोडों को सेंड करेंगे वीडियो देखने के बाद, तो उनको फॉलो बैक मिलेगा। तो आपको मैं बता देता हूँ कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को आप एंड तक देखोगे तभी आपको कोडों को पता चल पाएगा, और जो 50 बंदे सबसे पहले व्हाट्सअप नंबर पर कोडों को सेंड करेंगे तो वही उनको बेस्ट सपोर्टर चुना जाएगा। 50 बंदे यहाँ से चुने जाएंगे, 50 शाम को जो बेस्ट सपोर्टर में आएंगे उनको चुने जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि इंस्टा पे चलते अपनी आईडी पर, मैं बताता हूँ सबसे पहले टाइमलाइन कौन सी आईडी पे चल रही है अपनी। तो अपनी प्रेजेंट में जो अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर टाइमलाइन चल रही है, ये विजय मीना RJ29 इस वाली आईडी पर टाइमलाइन चल रही है, इस वाली आईडी पर टाइमलाइन चल रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस आईडी पे 16.5 के फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो जो जो मतलब कल जिन्होंने बेस्ट सपोर्ट मतलब अच्छा सपोर्ट किया था उनको फॉलो बैक दे दिया है, 92 लड़कों को फॉलो बैक दे दिया जो बेस्ट सपोर्ट में थे। आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि इंस्टा आईडी पे सपोर्ट कैसे करते हैं। तो काफ़ी फ्रेंड ये बोल रहे हैं कि भैया हम पे सपोर्ट करना नहीं आता, तो आपको मैं बता देता हूँ कि इंस्टाग्राम आईडी पे कैसे सपोर्ट करते हैं। जितने भी हैं मेरे को जितने भी टैग करते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे, तो सारी सब टैग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह पे इंस्टाग्राम आईडी पे जो भी मेरे को टैग करता है यहाँ पे आते हैं। तो आपको इस तरीके से लाइक करना है सबको इस तरीके से। तो आपको मैं बता देता हूँ इंस्टाग्राम पे टाइमलाइन चलती है 8 PM से 9 PM, एक घंटा टाइमलाइन चलती है। तो आपको मैं बता देता हूँ एक घंटा में जो 2 मिनट टाइमलाइन चालू रहेगी, जैसे 8 बजे से 2 मिनट टाइमलाइन चालू रहेगी, 2 मिनट में जितने भी फोटो आ रही है इंस्टाग्राम पे 50 60 जितने भी फोटो आ रही है, तो आपको मैं बता देता हूँ काफ़ी फ्रेंड ऊपरली ऊपरली फोटो को लाइक करके चले जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऊपरली ऊपरली फोटो को लाइक मत किया करो, आप सब फोटो को लाइक करोगे, नीचे तक की फोटो को लाइक करोगे। जब तक टाइमलाइन 3 मिनट के लिए ऑफ रहती है, तो नीचे तक की जब तक फोटो को लाइक नहीं करोगे, जब तक आप बेस्ट सपोर्ट में नहीं आ पाओगे। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसे आपको सपोर्ट करना है कंटिन्यू, तभी आप बेस्ट सपोर्ट में आ सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 8 PM से 9 PM टाइमलाइन चलती है। दूसरी बात आपको मैं बता देता हूँ कि जो फ्रेंड है मतलब 8 PM से 9 PM ज़्यादातर न्यू पोस्ट डाले, अगर आप न्यू पोस्ट ही डालें, अगर आप न्यू पोस्ट डालोगे तभी आप आईडी में सपोर्ट रह पाओगे, अच्छी लाइक मिलेगी आपको। और आप अगर पुरानी फोटो पर टैग लोगे, पुरानी फोटो को रीटैग करोगे, या फिर आप रील्स को भी पुरानी को टैग करोगे, तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बता देता हूँ कि कल शाम को टाइमलाइन चली थी, तो काफ़ी फ्रेंडों ने मतलब टैग किया था मतलब पुरानी फोटो को, तो मैंने आपको बोल दिया था, मैंने लाइव में बोल दिया था कि जो भी पुरानी फोटो को टैग करेगा सीधा ब्लॉक में जाएगा। तो ये गलती कोई भी मत करे, 8 PM से 9 PM कोई भी पुरानी फोटो को टैग नहीं करे, ज़्यादातर न्यू पोस्ट डाले। देखो पुरानी फोटो को टैग करने वाले कहाँ पड़े हैं, ब्लैक लिस्ट में पड़े हैं, देखो कितने सारे पड़े हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि पुरानी फोटो को टैग करने वाले कितने ब्लैक लिस्ट में पड़े हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। देखो ये जितने भी हैं 8 PM से 9 PM पुरानी फ़ोटो को टैग करने वाले और पुरानी रील को टैग करने वाले हैं, तो इनको मैंने ब्लॉक कर दिया है। अगर आप 8 PM से 9 PM पुरानी फ़ोटो को टैग करोगे तो सीधा ब्लॉक होंगे। तो ऐसी गलती मत करना, जो ब्लैक लिस्ट में जाओ आप, और कंटिन्यू सपोर्ट करना आप, तभी आप आ पाओगे। यही है, आप न्यू फ़ोटो डालोगे तभी आपको अच्छी लाइक मिलेगी, अगर आप पुरानी फ़ोटो को टैग करोगे तो सीधा ब्लॉक में जाओगे। तो ऐसी गलती मत करो कि पुरानी फ़ोटो को टैग करोगे तो सीधा ब्लॉक में जाओगे और ये ब्लैक लिस्ट से निकलेंगे भी नहीं। ऐसी गलती कोई भी मत करना, 8 PM से 9 PM कोई भी पुरानी फ़ोटो को टैग मत करना, रील को टैग मत करना, न्यू फोटो डालना ज़्यादा। आपको मैं बताता हूँ कि बेस्ट सपोर्ट में नाम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको बेस्ट सपोर्ट में नाम आता है अपना 8 PM से 9 PM टाइमलाइन चलती है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि 8 PM से 9 PM टाइमलाइन चलती है, तो आप 2 मिनट टाइमलाइन चालू रहती है, 3 मिनट ऑफ रहती है। तो काफ़ी फ्रेंड क्या करते हैं, ऊपरली टाइमलाइन ऑफ होती है, ऊपरली फोटो को लाइक करके जाते हैं, जैसे आपने नीचे तक की जितनी फोटो रुक रही हैं उनको लाइक नहीं करते हैं। तो मैं नीचे तक की जितनी भी फोटो है वहाँ से मैं स्क्रीन वीडियो बनाता हूँ, वहाँ से मैं बेस्ट सपोर्ट चुनता हूँ। तो आपको मैं बता देता हूं कि आज से जो भी नीचे तक की फोटो को लाइक करेगा वही बेस्ट सपोर्ट में आ पाएगा। और काफ़ी क्या है, सपोर्ट भी करते हैं, अच्छा सपोर्ट करते हैं, पर उनने फॉलोइंग कितनी कर रखी है, 50 60 70, वो क्या करते हैं, फॉलो करते नहीं है, लाइकरों को फॉलो नहीं करते या बेस्ट सपोर्टर को फॉलो नहीं करते, तो उनको मैं बेस्ट सपोर्टर में देता नहीं हूँ। क्योंकि आप जब तक आप फॉलोइंग नहीं बढ़ाओगे तब तक आप बेस्ट सपोर्टर नहीं आ पाओगे। तो दूसरी बात, बेस्ट सपोर्टर में नाम लाने के लिए आपको अगर लाइकरों को आप फॉलो करोगे, जैसे ये लाइकर है, ऐसे लाइकरों को आप फॉलो करोगे, लाइकरों को आप फॉलो करोगे ऐसे, तो आप बेस्ट सपोर्टर में जल्दी आ पाओगे। जितने भी बेस्ट सपोर्टर में नाम आ रहे हैं, और सिंपल तरीका आपको अब भी बता देता हूँ कि बेस्ट सपोर्टर में नाम लाने के लिए, जैसे आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप अपने बायो में
सभी जो भी बैच सपोर्ट रहे, मेरी टाइमलाइन पे जो भी सपोर्ट कर रहा है, अपने बायो में ऐसे अपने बायो में मेरी आईडी को मेंशन करके डालना है, ताकि मेरे को बैच सपोर्टर को चुनने में तकलीफ़ नहीं हो। जो भी मेरा बेस्ट सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट कर रहा है, उस बंदे का पता चल जाएगा कि ये आईडी मेंशन कर रखी है बायो मेरी, तो ये सपोर्ट रहे। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसे बायो में आपको अपने बायो में मेरी आईडी का मेंशन करना है सभी को, जो भी मेरी आईडी पे सपोर्ट कर रहा है टाइमलाइन पे, इंस्टा की पे। तो ऐसे आप अगर बायो में लगाओगे तो आप बेस्ट सपोर्टर में जल्दी आ पाओगे। तो ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ कि बेस्ट सपोर्टर को क्या क्या बेनिफिट है। आपको मैं बता देता हूँ बेस्ट सपोर्टर को क्या क्या बेनिफिट है, तो आप ध्यान से सुनना। बेस्ट सपोर्टर को बेनिफिट है, अगर आप 10 बार आज से 10 बार बेस्ट सपोर्टर में नाम लाओगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 10 बार जो बेस्ट सपोर्टर में नाम लाएगा, सबसे पहला बेनिफिट है आपकी स्टोरी डलेगी। तो आपको मैं बताता हूँ कि 5 घंटे में स्टोरी जा चुकी है 1500। तो आपको मैं बता देता हूँ, जो भी बंदा अगर आप 5-10 बार बेस्ट सपोर्टर में नाम लिया है कंटिन्यू, मतलब कि कंटिन्यू क्या, 10 बार 1 महीने के अंदर 10 बार बेस्ट सपोर्टर में नाम लिया, तो उसकी मैं स्टोरी लगाऊंगा फॉलो बैक की, और प्लस में फेसबुक आईडी पर अपनी टाइमलाइन चलेगी, उससे रिफ्रेश से पहले ऐड कर लिया जाएगा। और तीसरा बेनिफिट है आपको कि जो भी आपका टैग रहेगा, फोटो या रील, वो मेरी टाइमलाइन पर रोकूंगा, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा आपके टैग को, तो मेरी टाइमलाइन पे आ जाएगी। तो ये तीनों बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है स्टोरी लगेगी आपको 10 बार बेस्ट सपोर्टर नाने पर, दूसरा है आपको फेसबुक आईडी पर रिफ्रेश से पहले ऐड कर लिया जाएगा, और तीसरा बेनिफिट है आपको जो भी रील होगी या फोटो होगी मेरी आईडी पर टैग एक्सपेक्ट किया जाएगा, जैसे मेरी टाइमलाइन पर आ जाएगी। ठीक है, आपने देख लिया होगा, ऐसे मैं बेस्ट सपोर्टर चुनता हूँ, ऐसे ऐसे बेस्ट सपोर्टर को बेनिफिट है। अब भी मैं ध्यान से बता देता हूँ कि 8 PM से 9 PM टाइमलाइन चलती है, सभी कंटिन्यू सपोर्ट करना, ठीक है। और कोई भी 8 PM से 9 PM पुरानी फोटो को टैग मत करना, रील को टैग मत करना, वरना ब्लैक लिस्ट में जाओगे। ब्लैक लिस्ट में मैंने आपको बता दिया कितने पड़े हैं। दूसरी बात, जो भी बेस्ट सपोर्टर हैं, लाइक करोगे, फॉलो करो, लाइक करोगे, फॉलो करोगे, फॉलोइंग करोगे, तभी आप बेस्ट सपोर्टर में आ पाओगे। और सभी जब भी टाइमलाइन पे जितनी भी फोटो आ रही है, सबको लाइक करो, तभी आप बेस्ट सपोर्टर में आ पाओगे। मैं आपको बता देता हूँ कि बेस्ट सपोर्टर में आप आते हो तो प्रत्येक बेस्ट सपोर्टर में जो भी बंदा आ रहा है, उसके 150-200 से 250 फॉलोअर्स पर डे के बढ़ते हैं, और लाइक भी आपको 200-250-300 लाइक मिलती है, तो आप न्यू फोटो डालना ज़्यादातर। ओके, लव यू ऑल, दिल से सपोर्ट करना सभी, और गलती कोई भी मत करना। और सभी को मैं अब भी बता रहा हूँ कि जो भी मेरे बेस्ट सपोर्टर हैं, अपने बायो में मेरी आईडी का ऐसे ऐसे मेंशन करना है मेरी आईडी का नाम, जैसे इसने कर रखा है, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरी आईडी खुल गई, ऐसे मेरी आईडी का नाम मेंशन करना है, जैसे सही करने कर रखा है, ठीक है। और जो भी बेस्ट सपोर्टर हैं, जो भी बेस्ट सपोर्टर में आते हैं, मैंने 92 को दे रखा है, तो 92 की 92 जितने बेस्ट सपोर्टर हैं, एक दूसरे को फॉलो करो, फॉलो करो और फॉलो बैक दो। अगर मेरे पास शिकायत आ गई कि भाई इसने फॉलो बैक नहीं दिया भैया, तो मैं सीधा ब्लॉक ठोकूंगा, ठीक है। एक दूसरे को फॉलो करो, फॉलोइंग बढ़ाओ, तभी आप बेस्ट सपोर्टर में आ पाओगे। और दिल से सपोर्ट किया करो, आपको यहाँ पे भी प्रमोट किया जाएगा। प्लस मैं अपनी फेसबुक पे टाइमलाइन कब से चलेगी, तो अगली वीडियो आएगी आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। फेसबुक पे अपनी टाइमलाइन कब से स्टार्ट हो रही है, रिफ्रेश फेसबुक पे, मतलब कि कब से एडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सभी बने रहे यूट्यूब पर। और जिस फ्रेंड ने यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब जरूर कर लेने का, बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल चुके, ठीक है। लव यू ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो, सबसे बेस्ट आएगी। और सपोर्ट दिल से किया करो, दिल से लाइक लिया करो, कोई गलती मत करो। आपको इंस्टा पर प्रमोट किया जा रहा है, फॉलोअर्स बढ़ा जा रहे हैं, लाइक भी मिल रही है आपको।